कोनिच्चिवा मिनासान, मैं हूँ चुमकी और आप सबका वेलकम है ओहायो जैपनीज में। आज हम लेसन 15 के वोकेबुलरीज के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनसे बनने वाले कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला वोकेब है ताचीमास। ताचीमास मतलब स्टैंड अप। कारे वा वताशी नो उशिरो नी ताचीमाशिता, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। नेक्स्ट स्वारीमास। स्वारीमास सिट डाउन। कोको नी स्वात्ते कुदासाई, प्लीज यहाँ बैठिए। नेक्स्ट सुकाईमास। सुकाईमास यूज, इस्तेमाल करना। कोनो गोई नो चुकाई काताओ ओशियते कुदासाई, प्लीज इस शब्द का इस्तेमाल बताइए। नेक्स्ट ओकीमास। ओकीमास पुट, रखना। तो हमने पहले भी एक ओकीमास किया था। जो पहले ओकीमास मिला था उसका मीनिंग था वेक अप, जगना, और दोनों को हम सेंटेंस वाइज पहचान सकते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे होगा। ठीक है, सेंटेंस से हमें पता चल जाएगा ये कौन सा ओकीमास है। और हाँ, ये जो ओकीमास है ये इची ग्रुप का है, यानी फर्स्ट ग्रुप का है। जो जब हम ते फॉर्म यूज करेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि ये वाला ओकीमास जो पुट है वो इची ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है। इसलिए इसको चेंज करने के लिए हमें इची ग्रुप का जो सिस्टम है वो फॉलो करना है। ठीक है, और अगर हम कांजी भी देखते हैं तो दोनों का कांजी अलग अलग है, इससे भी हमें पता चल जाएगा। अगर कांजी दिया होगा तो कांजी से तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा ओकीमास है। ठीक है, अब इससे बनने वाला एग्जाम्पल सेंटेंस है जिशो ओ चुकुएनो उएनी ओकीमाशिता, मैंने डिक्शनरी टेबल के ऊपर रखा था। नेक्स्ट चुकुरीमास। चुकुरीमास मेक और प्रोड्यूस। मेक यानी बनाना और प्रोड्यूस यानी उत्पादन करना, दोनों के लिए चुकुरीमास यूज होता है। लेकिन दोनों का कांजी अलग अलग है। जो पहला वाला कांजी है वो मेक के लिए आता है और जो दूसरा कांजी है वो प्रोड्यूस के लिए आता है। ठीक है, जो पहला कांजी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपको यही वाला कांजी चाहिए। सो एग्जांपल है वताशी नो हाहा वा केक यो चुकुरीमास, मेरी माँ केक बनाती है। नेक्स्ट उरीमास। उरीमास सेल, बेचना। कोनो मिसे दे ओइशी पान ओ उत्तेइमास, यह दुकान स्वादिष्ट ब्रेड बेचती है। नेक्स्ट शिरीमास। शिरीमास गेट टू नो, जानना या फिर पहचानना। कारे नो नामाए ओ शिरीमासेन, मुझे उसका नाम नहीं पता। सुमीमास। सुमीमास टू लिव, रहना या फिर निवास करना। किसी जगह पे जो हम रहते हैं उसको बोलते हैं सुमीमास। जैसे पारी नी सुमिताई देस, पारी यानी पेरिस और सुमिताई, ताई है मतलब वन, इच्छा है, तो मैं पेरिस में रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट कैंक्यू शिमास। कैंक्यू शिमास डू रिसर्च, हिंदी में हम बोल सकते हैं कि खोज करना या फिर अनुसंधान करना। कारेवा ई गाकू ओ कैंक्यू शितेइमास, वो मेडिकल रिसर्च कर रहा है यानी चिकित्सा में खोज कर रहा है। नेक्स्ट शितेइमास। शितेइमास नो, जानना। अभी हमें शिरीमास मिला था जिसका मतलब था जानना, और शितेइमास इसका भी मतलब है जानना। एग्जांपल सेंटेंस सुजुकी सान वा कानोजो शितेइमास का, मिस्टर सुजुकी क्या आप इनको जानते हैं। नेक्स्ट सुंदेइमास। सुंदेइमास लिव, तो सुंदेइमास का भी मतलब है रहना, जैसे सुमीमास का मतलब था रहना। इनको अलग अलग जगह यूज किया जाता है जो हम ग्रामर सेक्शन में सीखेंगे। ठीक है, अभी आप एग्जांपल सेंटेंस देखिए। कारे वा ओसाका नी सुंदेइमास, वो ओसाका में रहता है। नेक्स्ट शिरियो। शिरियो मटेरियल्स, डेटा, जिनको हम हिंदी में बोल सकते हैं तथ्य, लेकिन हम डेटा ही बोलते हैं। सो एग्जांपल सेंटेंस है कोनो शिरियो ओ गोमाई कॉपी शिते कुदासाई, प्लीज इस डॉक्यूमेंट का 5 फोटोकॉपी कीजिए। नेक्स्ट
कातारोगु, कातारोगु, कैटलॉग, कैटलॉग यानी जिसको देख के हम पूरे सामान या फिर पूरे चीज़ों के बारे में पहले से पता कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ का जब हम कैटलॉग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें क्या क्या है, ठीक है। सो एग्जाम्पल सेंटेंस है, आताराशी कातारोगु ओ ओकुत्ते कुदासाई। ओकुत्ते ओकुरिमास से आया है, ओकुरिमास का मतलब है सेंड करना। प्लीज नया कैटलॉग भेजिए। नेक्स्ट जिकोकु ह्यो, जिकोकु ह्यो मतलब टाइम टेबल। देनशानो जिकोकु ह्यो ओ कुदासाई, कृपया मुझे ट्रेन का टाइम टेबल दीजिए, या फिर क्या मुझे ट्रेन का टाइम टेबल मिल सकता है। नेक्स्ट फुकु, फुकु मतलब क्लोथ्स, कपड़े। किनो अताराशी फुकु ओ काइमाश्ता, कल मैंने नए कपड़े खरीदे। नेक्स्ट सेहिन, सेहिन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी जिसको प्रोड्यूस किया गया है यानी उत्पाद। अनोकुरुमा वा टाटा नो सेहिन दिस, वो कार टाटा का उत्पाद यानी उसको टाटा कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट सोफुतो, सोफुतो यानी सॉफ्टवेयर। दोनों सोफुतो ओ काइमास का, दोनों यानी व्हिच, कौन सा, आप कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदने वाले हैं। नेक्स्ट सेनमोन, सेनमोन स्पेशलिटी और फील्ड ऑफ स्टडी, जिसके ऊपर आप अध्ययन करते हैं यानी जिसका आप विशेषज्ञ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वताशी नो सेनमोन वा कंप्यूटरिस, यानी मेरी विशेषता है कंप्यूटर। नेक्स्ट हाइशा, हाइशा यानी डेंटिस्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस जुइची जीनी हाइशा नो योतेगा अरिमास, डेंटिस्ट के साथ मेरा 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट तोकोया, तोकोया बर्बर और बर्बर शॉप। क्यों तोको यानी इकिमाश्ता, आज मैं नाई के पास गया था। नेक्स्ट पुरे ही गाई दो, पुरे ही गाई दो टिकट एजेंसी जो थिएटर या फिर प्ले का टिकट अरेंज करते हैं उनको बोलते हैं पुरे ही गाई दो। पुरे गाइडो वा इवेंटो नो चिकेट्टो ओ उत्तेइमास, प्ले गाइड इवेंट यानी किसी प्रोग्राम का टिकट सेल करते हैं, बेचते हैं। नेक्स्ट दोकुशिन, दोकुशिन मतलब सिंगल, बैचलर या फिर अनमैरिड। फॉर एग्जांपल अनाता वा दोकुशिन देश का, क्या आप सिंगल हैं। नेक्स्ट तोकुनी, तोकुनी स्पेशली विशेष रूप से। फॉर एग्जाम्पल तोकुनी आसा वा इसोगाशी देस, मैं विशेष रूप से सुबह के समय बिजी रहता हूँ। नेक्स्ट ओमोयदाशिमास, ओमोयदाशिमास रिमेम्बर रिकलेक्ट याद करना। फॉर एग्जाम्पल तोकी दोकी वाताशिनो को तो ओमोयदाशते कुदासाई, यानी मुझे आप भूल मत जाना, कभी कभी याद करते रहना। नेक्स्ट गोकाजोकु, गोकाजोकु काजोकु यानी फैमिली, और अगर किसी और के फैमिली को बोलना होता है तो विथ रेस्पेक्ट हमें प्रीफिक्स गो लगाना होता है। सो गोकाजोकु यानी योर फैमिली। गोकाजोकु वा इमास का मतलब क्या आपका फैमिली है। इराशाइमास, इराशाइमास, इराशाइमास यानी बी मतलब होना। जो इमास है इमास का ही ऑनरिफिक इक्विवेलेंट होता है बी। इमास को ज्यादा पोलाइट वे में जब हमें बोलना होता है, जब हमें किसी सीनियर के बारे में बात करना होता है तब हम इमास की जगह इराशाइमास यूज करते हैं। जैसे सेंसे वा जिमुशोनी इराशाइमास का, क्या सेंसे ऑफिस में है। नेक्स्ट कोको, कोको सीनियर हाई स्कूल। प्राइमरी स्कूल के लिए होता है शोगाको, मिडिल स्कूल के लिए होता है चूगाको, और उसके बाद जो हाई स्कूल है उसके लिए होता है कोको। फॉर एग्जाम्पल कारेवा कोको नो गाक्सेई देस, वो सीनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट है। तो आज बस इतना ही, लेसन 15 में बहुत ही कम वोकैब है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और आप इनको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और ओहायो जैपनीज को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।